कम टू लर्निंग इनसाइट। सो वैकेंसी आया है जो मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जो वैकेंसी रिलीज किया गया वो नेशनल हेल्थ मिशन आसाम से है एंड मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी है, बट मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो MBBS डॉक्टर्स लोगों के लिए है। तो बहुत ही कम पोस्ट है सोशल वर्कर के लिए, बट सोशल वर्क के लिए भी है एंड बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस कर जाएंगे, सोचेंगे ये डॉक्टर्स के लिए रिक्रूटमेंट है तो MSW के नहीं भी हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ पोस्ट है जहाँ पे BSW एंड MSW लोग फॉर्म डाल सकते हैं। सो वैकेंसी के डिटेल्स देख लेते हैं। फर्स्ट जो डेट है वैकेंसी रिलीज हुआ वो 31 मार्च 2023 को रिलीज़ हुआ एंड ये सब डिटेल्स आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा। सो बेसिक डिटेल्स जो है वो हम लोग देख लेते हैं। जो जिस जिस पोस्ट में सोशल वर्कर लोग फॉर्म डाल सकते हैं वो है, आप सीरियल नंबर जाके देखिए, सीरियल नंबर 19 जो है वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन सेट हो रहा है, लाइक 19। हाँ, साइकेटिक सोशल वर्क, यहाँ पे कोई अगर MSW किया और साइकेटिक सोशल वर्क पेपर उसका था या स्पेशलाइजेशन था वो इस फॉर्म को डाल सकता है या फिर फिलअप कर सकता है। अप टू 40th year 3 years होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। और अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर है तो और भी अच्छा है। एक्सपीरियंस भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 years चाहिए अगर साइकाट्रिक या मेंटल हॉस्पिटल में आपने काम किया। तो ये यहाँ पे सोशल वर्क लोग फॉर्म डाल सकता है अगर साइकाट्रिक सोशल वर्क पेपर उनका था या तो स्पेशलाइजेशन था। दूसरा जो पोस्ट है वो है आपका सीरियल नंबर 23। यहाँ पे BSW लोग फॉर्म डाल सकते हैं PA to MD। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, BSW होना, 2 years एक्सपीरियंस इन NGO सेक्टर में या तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हो। बाकी सब जो है वो आपका ओरल एंड रिटन इंग्लिश एंड आसामी से अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली आसाम के लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी भी कर सकते हैं बट आसामी से आना चाहिए एंड देन कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी आपको दिया जा रहा है 24,000। बाकी और एक पोस्ट में जो फॉर्म डाल सकते हैं आप लोग वो है सीरियल नंबर 33 पे आप लोग जाके देखिए क्या कि यहाँ पे भी एक वैकेंसी है जो कंसल्टेंट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन जो चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली आपका मैच हो रहा है सोशल वर्क पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क कंसल्टेंट RKSK में चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क एक ही पोजीशन है यहाँ पे। बाकी आप लोग देख सकते हैं 5 years एक्सपीरियंस चाहिए NGO सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर्स में, वर्किंग नॉलेज चाहिए आपका, इन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट लोग अगर मिलते हैं तो देन उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी वर्क वाले के लिए बहुत सारा पोस्ट है, आप देख लेना। अगर सोशल वर्क में MA में किसी का पब्लिक हेल्थ है तो उनके लिए बहुत सारा पोस्ट है जो नॉन मेडिकल वाले पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे और भी बोला गया कि 23 जो सीरियल नंबर है वहाँ पे पोस्ट आपका कितना है, एक ही पोजीशन है। तो BSW लोग यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स है आपका, बहुत सारे वैकेंसी है यहाँ पे, लेकिन सभी मैक्सिमम वैकेंसीज जो है वो MBBS के लिए। तो हम लोग सोशल वर्क BSW MSW लोग नहीं डाल पाएंगे, लेकिन सीरियल नंबर 19, 23 एंड 33 जो है वहाँ पे आप लोग देखिए, ये तीनों में आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं, MSW BSW लोग डाल सकते हैं। नाउ अभी क्या डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पे लास्ट डेट क्या है, 17/4/2023 मीन्स 17 अप्रैल तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। जो प्रोसेस है वो सभी ऑनलाइन है, इस वेबसाइट में जाके आप लोग देखना है डिटेल्स। इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के लिए कोई TA DA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए या सिलेक्शन के लिए। बाकी आपका जो एक्सपीरियंस एंड एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट्स नॉर्म्स होगा। सो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं तीनों पोजीशन के लिए। सीरियल नंबर 19, 23 एंड 33 पे जाके देखिए, आप सोशल वर्क क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है, आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। थैंक यू।